वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बताना है इफ द टू कॉन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड द रेडियाई 3:1 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का हम जो है रेशियो किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले रेशियो देख लेना है क्या क्या गिवन है। H1 और H2 का जो रेशियो है आपको जो दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो आप H1 की वैल्यू निकाल सकते हो वो 1/3 H2 निकाल सकते हो, जिसको आप H2/3 लिख सकते हो। फिर यहाँ से आप बात करोगे रेडियस की, यानी R1/R2 आपको कितना दिया हुआ है, 3/1 दिया हुआ है। यहाँ से आप R1 निकाल सकते हो कितना, 3R2। तो आपने दो डाटा तैयार कर लिए हैं, एक तो H1 = H2/3 और जो दूसरा डाटा है वो हमारे पास R1 = 3R2। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है कोन का वो कितना होता है, 1/3 πr²h। तो हमारे पास जैसे कि दो कोन है तो एक का 1/3 πr²h यानी R1 और H1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 1/3 πr²h इस तरीके से पुट कर लेंगे वैल्यू। और आपके पास R1 और H1 आपने इधर निकाले, इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे वो देख लेते हैं। 1/3 से तो 1/3 रिड्यूस हो जाएगा, पाई से पाई रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, R1² और H1। तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 3R2। और उसका कर देंगे क्या हम स्क्वायर, और H1 की जो वैल्यू है आप कितना रख सकते हो, H2/3। इस तरीके से आपने पुट कर दिया। और नीचे की तरफ जो है हमारे पास R2² है, तो R2² हम R2² रखेंगे क्योंकि ये R2 से R2 रिड्यूस हो जाएगा और H2 इसके साथ हमारे पास बचा हुआ है। और इसके साथ हम लगा देंगे मल्टीप्लाई और इसको हम कर लेंगे क्या, सोल्व आराम से इजीली। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी हमारे पास 9R2² × H2/R2² × 3H2, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से रिड्यूस कर लीजिएगा, और रिड्यूस करने के बाद R2² से R2² रिड्यूस हो जाएगा, H2 से H2 रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास 9/3 बचेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 3/1, जिसको आप बोल सकते हैं 3:1। तो जो हमारे पास V1:V2 आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कोण 1 और वॉल्यूम ऑफ कोण 2 आएगा, दैट इज 3:1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।